मुंबई का कार्टर रोड आज महानगर की सबसे पॉश जगहों में से एक है और वहीं पर स्थित शापित कहा जाने वाला वह प्रतिष्ठित बंगला जिस घर ने इन तीन अभिनेताओं का उत्थान और पतन दोनों देखा था। कई फिल्मी सितारे यहां अपना घर बनाए हुए हैं, लेकिन हिंदी फिल्म उद्योग के शुरुआती दिनों में करीब 1950 के दशक में इस स्थान पर बड़े पैमाने पर पारसियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के स्वामित्व वाले बंगले थे। काफी समय तक बॉलीवुड वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी वहां दो बड़े बंगले थे जो फिल्मी हस्तियों के थे। उसमें से एक संगीतकार नौशाद का आशियाना था, लेकिन हम यहां आपसे दूसरे बंगले की बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में कई नामों से जाना जाता है, लेकिन अब यह आशीर्वाद के नाम से लोकप्रिय है। ये बंगला जो उस समय समुद्र के सामने बनी दो मंजिला थी, उसका स्वामित्व एक एंग्लो इंडियन परिवार के पास था। हालांकि घर का मूल नाम इतिहास में खो गया है, लेकिन इसका पहला सेलिब्रिटी मालिक भरत भूषण थे। 1950 के दशक की शुरुआत में अभिनेता भरत भूषण ने ये संपत्ति खरीदी और तब से कार्टर रोड पर बड़े नायकों के रहने का चलन शुरू हुआ। भरत भूषण को 50 के दशक में बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया और बरसात की रात जैसी हिट फिल्मों से बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन दशक के अंत तक उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और वे भारी कर्ज में डूब गए। इसके बाद उन्हें बंगला छोड़ना पड़ा जो जर्जर हो गया और इसी बिंदु पर कहानियां सामने आने लगी कि बंगला भूत बंगला है और जो कोई भी इसमें रहेगा उसके लिए दुर्भाग्य लाएगा। 1960 के दशक में उभरते अभिनेता राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला। इसकी हालत और इसके आसपास की कहानियों के कारण ये बंगला 60,000 रुपये की मामूली कीमत पर उपलब्ध था। घर के लिए जरूरी रकम जुटाने के लिए राजेंद्र कुमार ने तुरंत बीआर चोपड़ा के साथ तीन फिल्मों की डील साइन की और यहां रहने आ गए। उन्होंने बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिंपल रखा। उनके दोस्त मनोज कुमार के कहने पर उन्होंने घर के बारे में कहे गए अभिशाप से बचने के लिए यहां पूजा करवाई। ये घर अभिनेता के लिए भाग्यशाली साबित हुआ क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अपने से पहले भरत भूषण की तरह ही राजेंद्र कुमार की किस्मत भी पलट गई। 1968-69 के आसपास उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होने लगी और वह वित्तीय संकट में पड़ गए। जैसे ही उन्होंने सहायक भूमिकाओं की ओर रुख किया, राजेंद्र कुमार को अपना प्रिय घर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। 70 के दशक में इस घर को एक और उभरते अभिनेता राजेश खन्ना ने खरीद लिया। फिर बहुत जल्द राजेश खन्ना को नया सुपरस्टार कहा जाने लगा और वह आसानी से हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेता बन गए। उन्होंने 70 के दशक की शुरुआत में लगातार 17 हिट फिल्में दी और स्क्रीन आइडल बन गए। उनका बंगला, जिसे अब आशीर्वाद कहा जाता है, मुंबई में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया, ठीक उसी तरह जैसे दशकों बाद जलसा और मन्नत बने। लेकिन इस घर में उनसे दो पहले रहने वालों की तरह ही उनकी भी किस्मत साथ नहीं दे पाई। ये राजेश खन्ना के लिए सबसे नाटकीय पतन था। 70 के दशक के अंत तक उनकी फिल्मों ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी जगह अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में नंबर एक अभिनेता के रूप में ले ली थी और वह आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से भी संघर्ष कर रहे थे। उनकी पत्नी डिंपल उन्हें छोड़कर अपने बच्चों को अपने साथ ले गई और सफलता भी राजेश खन्ना से दूर होती चली गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि उनके पास कोई काम नहीं रह गया। इस समय राजेश खन्ना आशीर्वाद की तुलना में अपने लिंकिंग रोड कार्यालय में अधिक समय बिताने लगे। हालांकि वह 3 दशक से अधिक अपनी मृत्यु तक इसी बंगले में रहे। 2014 में ये बंगला एक उद्योगपति को 90 करोड़ रुपये में बेच दिया गया था। फरवरी 2016 में नए मालिक ने उसके स्थान पर एक नई संपत्ति बनाने के लिए प्रतिष्ठित बंगले को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही उस घर का सफर खत्म हो गया जो 3 बॉलीवुड सितारों का घर हुआ करता था।